हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है क्या एसएपी में अगला जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो सेशन है वो है हम लोग का अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब हमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हमें रिलेटेड टू कस्टमर हमें पास करने, ठीक है? तो वही होता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो हम, या फिर कह लो सारा का सारा मैनेजमेंट जो हम किससे रिलेटेड करते हैं, कस्टमर से रिलेटेड। अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आएगा कि कस्टमर, एसएपी में कस्टमर कैसे बनते हैं। तो कस्टमर बनाने का बहुत सिंपल सा एक टी कोड दिया हुआ है, FD01। इससे हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था वेंडर क्रिएट करते थे, वैसे ही आप वहाँ पे FK01 था। के डिन्यूट करता है वेंडर को, या फिर कह लो क्रिएटर को। डी डिन्यूट करता है किसको, डी डिन्यूट करता है डेटर को, यू कैन से कस्टमर। तो वहाँ पे FK01 था, यहाँ पे FD01। चेंज करने के लिए वहाँ FK02 था, यहाँ पे FD02 है। फिर पार्क कस्टमर इनवाइस पे कस्टमर इनवाइस पास करेंगे, अगेन वही सेम, ठीक है ना, 1000 यूरो से। और यहाँ पे ये एंट्रीज बार करनी है हमें FB70 से। तो इस बार थोड़ा सा अमाउंट हम चेंज कर दे रहे हैं, अमाउंट यहाँ पे 2000 कर दे रहे हैं, 2000 यूरो, है ना। अब यहाँ पे देखिए FB70 होता है किसके लिए, वहाँ पे FB60 होता था परचेज इनवॉइस के लिए, सेल इनवॉइस के लिए यहाँ पे क्या है, FB70। नाउ पार्क डॉक्यूमेंट का सेम है टी कोड, FBV0 से ही हम लोग देखेंगे। नाउ क्रिएट मेमो सेल रिटर्न, दैट इज सेल रिटर्न कितने का हो रहा है, यहाँ पे सेल रिटर्न हम लोग कर लेते हैं 200 का, 200 यूरो का रिटर्न कर लेते हैं। नाउ FB75 है, वहाँ 60 65 था, या 70 और 75 है। बाकी रिपोर्ट अगर देखना है पार्टी वाइज लाइन आइटम डिटेल, तो वहाँ पे FBL1N था, यहाँ पे 5N है। बाकी यहाँ जब हम लोग वेंडर को पेमेंट करते थे F-53 था, जब हम कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं तो होता है F-28। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग आज करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले तो हमें कस्टमर क्रिएट करना है। तो FD01, FD01 पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखिए कस्टमर क्रिएट करने के लिए कहता है, तो कस्टमर क्रिएट करने का ऑप्शन है यहाँ पे दे रखा है अकाउंट ग्रुप। तो अकाउंट ग्रुप हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली चीज़ तो कौन से ग्रुप में हमें बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो हमें कोई भी एक, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं बिल टू पार्टी, इसमें हम लोग एक कस्टमर बनाएंगे। कंपनी कोड क्या होगा हमारा, 1000, 1000 में हमें कस्टमर क्रिएट करना है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर में कुछ भरने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑल ऑफ द सर, ये रेफरेंस किस लिए होता है, रेफरेंस इसके लिए होता है कि सपोज करो कोई कस्टमर है हमारा और सारी डिटेल्स उसकी सेम है जो नए कस्टमर की है, जो पिछले कस्टमर से। मान लीजिए मेरे, मैंने एक कस्टमर बनाना है रमेश, और रमेश का जो लगभग सारे डिटेल वही का है जो डिटेल हमारा दिनेश का है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस में दिनेश उठा सकते हैं, तो उसके सारे डेटा कॉपी करके इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जस्ट लाइक टेम्पलेट। फिलहाल हमें नहीं, हमें फ्रेश बनाना है, तो यहाँ पे सीधे इंटर करेंगे कस्टमर पे। कस्टमर पे जैसे इंटर करते हैं, अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइटल मांग रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मिस्टर दे देते हैं, मिस्टर हरिशंकर, ठीक है, तो हरिशंकर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी वही सेम नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे हरि लिख देता हूँ सिर्फ, फर्स्ट नेम। नाउ सर्च टर्म दीप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंडेटरी किया गया, तो मैंडेटरी ये भरना, स्ट्रीट, स्ट्रीट हम लोग भर लेते हैं, गोलकर, हाउस नंबर जाने दीजिए, सिटी, सिटी आप लोग भर लीजिएगा, पोस्टल कोड भर लीजिएगा 27301, सिटी गोरखपुर, कंट्री इंडिया, IN, और रीजन हो जाएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कंट्रोल डेटा होता है। कंट्रोल डेटा में अगर किसी वेंडर को भी इससे कनेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, कॉर्पोरेट को ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं डिफाइन कर सकते हैं, या सिंपल टाइपिंग करनी होती है जस्ट, ठीक है ना। जैसे कस्टमर हमारा ग्रुप है,
कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट ग्रुप है तो कॉर्पोरेट ग्रुप लिख सकते हैं। ओके लिखना चाहते हैं लिख लिया। नेक्स्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है। पेमेंट ट्रांजेक्शन में अब हम अपने कस्टमर का बैंक डिटेल भी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि जब कस्टमर से पेमेंट आता है तो हमें कम से कम पता चले किस बैंक से आए, उसके किस खाते से पेमेंट आया, तो कम से कम ये क्लियर रहेगा और हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कस्टमर को। ओके आई एन फॉर इंडिया। अब यहाँ पे बैंक हम लोग ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे बैंक हम लोग ले लेते हैं, बैंक हम लोग कंट्रोल एफ कर लेते हैं, जीकेपी लिख देता हूँ मैं। ओके जीकेपी में कई हैं, फिलहाल ये ले लेते हैं गोलघर का। नो बैंक अकाउंट नंबर हम डाल देंगे। नेक्स्ट अकाउंट होल्डर नेम हरिशंकर ही है। नो नेक्स्ट अगर हमें उसका क्या नाम है बैंक की अगर डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल कुछ नहीं डालना, बैंक डाटा देखना चाहते हैं देख लीजिए, यही सब डेटा रखा हुआ और कुछ नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधे। पेमेंट कार्ड्स वर्ड्स है तो कार्ड्स की डिटेल भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, बट वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मार्केटिंग पे जाते हैं। मार्केटिंग में मतलब कि किस अगर ये क्लासीफाई करना चाहते हैं, रीज़न वन का है, रीज़न टू का है, रीज़न थ्री का, तब तो यहाँ पे एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। कस्टमर क्लास अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो कस्टमर क्लास मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना, कितने दूरी ये कस्टमर हमारे से कितना दूर है, ठीक है, कितनी दूरी तक है, मतलब डिस्टेंस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ताकि इनको सामान पहुंचाना, ले आना ले जाना आसान है कि नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस पे बोलूँगा, जस्ट लाइक हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं डोमिनोज का। डोमिनोज होता है कि जितने स्टोर होते हैं वो अपने लिमिटेड एरिया तक ही वो गुड्स डिलीवर करते हैं, तो ये यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अनलोडिंग पॉइंट कहाँ तक हम आपको सामान पहुँचाएंगे, हमारा अनलोडिंग पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए बरगदवा है, ठीक है ना। That's it. स्पेटिक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ होता है क्या क्या है, कैलेंडर कहाँ तक लेंगे, तो फैक्ट्री कैलेंडर लेना है, क्या लेना है, तो हम लोग चलिए पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, फैक्ट्री कैलेंडर जर्मनी का ही ले लेते हैं बस। अब क्या करेंगे, ये अनलोडिंग पॉइंट हो गया, यहीं तक हम लोग गुड्स अनलोड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन, अगर इस कस्टमर से कॉन्टेक्ट करना है तो किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हरी से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ओके अब ये हरी हैं क्या कंपनी में, तो ये हरी जी हैं बेसिकली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना, और बेसिकली ये सारा डिपार्टमेंट देखते हैं, तो फिलहाल तो हमें इनको बेचना है, तो ये तो परचेज डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना, परचेज डिपार्टमेंट के भी हेड हो गए, ये डिटेल्स मेंटेन होगी। अब इसके बाद देखिए ये सब डिटेल एक्स्ट्रा डिटेल्स है, आप भरना चाहे भरे, ना भरना चाहे नहीं भरे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन कंपनी कोड डेटा तो भरना बहुत ज़रूरी है। आप इस पे जाइएगा, यहाँ पे होता है रिकन्सिलिएशन अकाउंट, इसको भरना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको नहीं भरना तो ये कस्टमर आपका किसी काम का नहीं होगा। अब ये कस्टमर देखें, यहाँ पे हम लोग कस्टमर है तो जायज बात है ट्रेड रिसीवल डोमेस्टिक में होगा, यानी 140,000 कोड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी पेमेंट ट्रांजेक्शन्स आपको पता है, यहाँ पे पेमेंट टर्म्स आप डाल सकते हो, टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि वेंडर जब हम क्रिएट करें तब भी मैंने पेमेंट टर्म्स नहीं डाला था, मैं आज भी नहीं डालूंगा। सो आगे बढ़ सकते हैं। करिस्पॉन्डेंस में कुछ डालना है डाल दीजिए, इंश्योरेंस में कुछ डालना है तो डाल दीजिए, ठीक है ना। पॉलिसी नंबर अगर मान लीजिए सामान जो हम भेजते हैं तो उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं, तो किस कंपनी से इंश्योरेंस रहता है समथिंग, वो सब पॉलिसी नंबर वंबर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम इसको सेव कर। जरूरी नहीं कि हर एक डिटेल्स भरी जाए। अब देखें यहाँ पे 643 ये जो हमारा कोड है, यानी 643 नंबर का हमारा ये कस्टमर बन गया है, हम चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। 643 तो मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ 643 हमारे कस्टमर का कोड था। ठीक है तो ये कस्टमर का कोड हो गया हमारे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, कस्टमर का कोड सेव कर लीजिए।
अब अगर कुछ चेंजेस करना है तो सिंपल सा FD02 में जाना है। FD02 में जाएंगे तो ऑलरेडी 643 आ ही रहा है, टिक कर रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके कहीं भी चेंजेस आपको करना है आप कर सकते हो। पेमेंट ट्रांजेक्शन जनरल डेटा में जाना है, जनरल डेटा में आ जाइए। यहाँ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज करिए हम यहाँ पे हाउस नंबर डालना चाहते हैं, 12B हाउस नंबर डाल दिया, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया डेटा। तो देखिए हमने दोनों काम कर लिया, जैसा कि हमारा टास्क था क्या, क्रिएट करना था फिर कुछ चेंजेस करने थे। यहाँ पे तो फर्स्ट नेम में चेंजेस किया, बट हम लोग फर्स्ट नेम में चेंजेस नहीं करना है, हम लोग ने चेंज किया है बस क्या, हाउस नंबर, हमने बस हाउस नंबर चेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब कह रहा पा का कस्टमर इनवॉइस इन लोकल करेंसी 2000 यूरो का हमें एक सेल करना है, तो इसके लिए टी कोड है FB70। तो चलिए चलते हैं FB70 पे, /N FB70। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कस्टमर का, तो यहाँ पे F4 दबाएंगे। अगर सपोज आपको कोड मिस हो गया, कस्टमर का कोड आपको नहीं ध्यान है, तो यहाँ पे सिस्टम में हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक मार्कंडे जी आ रहे हैं और एक हरी, तो हमें हरी का बनाना है। तो हरी ओपन कर लिया, इनवॉइस डेट 15 आ गया, रेफरेंस भरना है भरिए, नहीं भरना है कोई दिक्कत नहीं है। कितने का हमें सेल करना है, एज पर हमारा टास्क 2000 का यूरो का हमें इन्हें सेल करना है। तो जैसे हम परचेज किए थे विदाउट टैक्स, यहाँ पे सेल भी करेंगे विदाउट टैक्स, है ना। अब फिर इसके बाद हमको पता है यहाँ पे GL अकाउंट भरना है। GL अकाउंट हमको याद हो, अगर आप लोगों को याद है तो याद है, नहीं तो मैं आपको बता दूँ 800200, ये रेवेन्यू का अकाउंट है ना। तो रेवेन्यू अकाउंट में हम लोग चढ़ा देते हैं कितना, 2000 यूरो। तो 2000 यूरो हमने चढ़ा दिया। देखिए बेस लाइन डेट मांग रहे हैं, क्योंकि टर्म्स हमने मेंशन नहीं किया था इसलिए, तो डेट वही डाल दीजिए, बस ले लिया। तो रेवेन्यू 2000 की जनरेट हो रही है लोकल करेंसी में, किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगी नहीं। तो फाइनली ग्रीन सिग्नल आ गया, हम इसको पार्क करेंगे। पार्क करते ही ये डॉक्यूमेंट आ गया, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, जो भी पार्क डॉक्यूमेंट होता है उसे हम क्या करते हैं, उसका एक जो नंबर जनरेट होता है उसे हम सेव कर लेते हैं। तो हम लोग इसे नोटपैड में जा रहे हैं सेव करने, तो ये सेव हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जाएंगे देखने, किस चीज़ को देखने, पार्क करने के बाद पोस्ट करना है पार्किंग से, लेकिन उससे पहले देखने के लिए FBV0 हमें यूज़ करना है। चलते हैं FBV0 यूज़ करते हैं, /N FBV0। अब इसमें आते हैं तो देखिए बाई डिफॉल्ट ये नंबर आ ही गया है, इंटर करेंगे तो वाउचर खुल जाएगा, वाउचर आप 82000 का भी पास करके गए हो, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंप्लीट लिस्ट में से देखना है तो कैसे देखेंगे, देखिए हम डॉक्यूमेंट लिस्ट में जाएंगे, हमें इस यूज़र का देखना है, हमने बस क्या कर देना है एग्जीक्यूट। तो देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, हालांकि लेटेस्ट जो है वो ये है, ठीक है ना, 229। अगर आप देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे होता है चेंज लेआउट, तो चेंज लेआउट में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप भी हम लोग ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप को हम लेंगे और फिर ओके करेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट टाइप ये सब ऐसे वाला है, ये DR वाला है, ये भी DR वाला है ना। मान लीजिए कोई पिछला हमने वाउचर खोला, ये तो जनरल पोस्टिंग है, GL पोस्टिंग है, एडमिन एक्सपेंस डेबिट टू ये पार्क है, लेकिन पोस्ट नहीं हुआ है। तो ये देखिए किस दिन हुआ था, 14 तारीख को, 14 फरवरी। मैं इसको आज की डेट में, ये मैं अभी अगर पोस्ट करना चाहूँ तो नहीं हुआ, पिछला मान लीजिए किसी का वाउचर हम पोस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, हमें डेट आज की करनी होगी। जैसे ये देखिए एंट्री मैंने खोली और इसको मैं आज की डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, 15/02/2019। फिर पोस्टिंग डेट में भी सेम करना है, 15, बस हो गया, इंटर कर देते हैं। अब हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं, ओके। कुछ एरर आ रहा है अभी, रिलेवेंट टू टैक्स मांग रहा है, तो यानी कि टैक्स की डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, टैक्स पकड़ा देते हैं, ओके, नाउ पोस्ट कर देते हैं। नो आइटम कैटेगरी असाइन, यहाँ आइटम कैटेगरी का भी इशू है, तो खैर छोड़िए, ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसमें आइटम कैटेगरी पहले रेक्टिफाई करनी होगी।
सेव करने की कोशिश भी करेंगे तब भी आइटम कैटेगरी बिना लिए वो सेव नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं किसी और को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इनवॉइस है, ये 4 फरवरी को देखिए पास हुई है, इसको हम लोग करते हैं सॉरी आज 15 है तो 15/02/2019। देखिए मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने पूछा था कि हम लोग मान लीजिए पार्क पीछे किए हों और आज के डेट में अगर उसे पोस्ट करना चाह रहे तो कैसे, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। अब इसको क्या करेंगे हम लोग पोस्ट करेंगे, यहाँ कह रहे नेट ड्यू डेट ऑन 4/2/2019 इज इन पास्ट। यहाँ पे देखिए दे रखा है हम लोग का 15 फरवरी को ओके। सो देखिए यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, कोई नहीं, हम लोग अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। बैक डेट के वाउचर हम लोग नहीं कंप्लीट कर पा रहे, आज की डेट के वाउचर हम लोग देख लेते हैं फिलहाल। ये तो पाप पोस्ट हो ही जाएगा, इसको पोस्ट कर लेते हैं। फाइनली ये देखो पोस्ट हो रहा है, ये पोस्ट हो गया। अब जाते हैं जरा FBL5N, लेकिन उसके लिए /N दबाना होगा। FBL5N से हम लोग रिपोर्ट देख लेंगे इस डेटर का। सभी को पता है इस 643 का ये पहला इनवॉइस था, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए दिखा रहा है डेट DR टाइप है, DR मीन्स इनवॉइस का जो सेल इनवॉइस का है DR है टाइप। और इसमें देखिए 2000 की सेल आपने की है, 2000 से वो आपका डेटर बन गया है। कौन डेटर बना है, ये पार्टी हरी आपको 2000 रुपये देंगे। अब एक इशू आ गया, क्या इशू आ गया कि कस्टमर ने एक सेल रिटर्न कर दिया 200 रुपये का। जैसे कि हम उनको सर्विस दे रहे थे, उनका सर्विस हम दे ही रहे थे, 1800 तक की सर्विस हमने दे दी थी, 200 रुपये की सर्विस उन्होंने कहा कि हमें नहीं लेनी है। तो अब जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिटर्न करनी होगी। तो रिटर्न करने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट मेमो में हम लोग एंट्री पास करेंगे, तो जिसके लिए टी कोड होता है FB75। तो चलिए देखते हैं FB75 में एंट्री करते हैं /N FB75। तो सेल रिटर्न यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, कस्टमर वही है तो F4। सिस्टम में मैं डाल देता हूँ मैंने जो टाइप किया। ओके डॉक्यूमेंट डेट में आज की डेट होगी 15/02/2019। अमाउंट कितने से था 200 सिर्फ रिटर्न करना है। कैलकुलेटिंग से यहाँ पे क्या रहेगा 800 200। ओके बेसलाइन डेट आपको डालनी पड़ेगी 15। अमाउंट देखिए कितना अमाउंट है 200। फाइनली कंप्लीट है, हम लोग इसे सीधे पोस्ट कर सकते हैं, सीधे पोस्ट कर दे रहे हम। अभी रिटर्न हो गया है, पोस्ट हो गई है एंट्री। इस पोस्टिंग को भी आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जाके बैलेंस चेक करना है। तो कस्टमर का लाइन आइटम डिस्प्ले हम लोग चेक कर लेंगे FBL5N। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिपोर्ट चेक कर रहे होंगे, हमें ओपन आइटम देखने हैं। ओके तो यहाँ पे दे रखा है क्या 200 क्रेडिट हो गया। पहले पार्टी डेबिट थी कितने से 2000 से, डेटर बना था, रिटर्न हो गया 200 DG। देखिए उसका जो टाइप है वो क्या है DG है, क्लियर। फिर फाइनली बैलेंस बचा 1800 रुपये, मीन्स 1800 रुपये हमें कस्टमर से वसूलना है। तो कस्टमर यानी हरिशंकर से अब रिसिप्ट कितना होगा 1800 रुपीज़। तो 1800 रुपीज़ चलिए रिसीट करते हैं। रिसीट करने के लिए क्या होता है, टी कोड देखना पड़ेगा। तो रिसीट के लिए टी कोड होता है F-28 /N F-28 15
डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है, चाहे रेफरेंस नंबर लिख देते हैं किस रेफरेंस का पेमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा था जो सेल था वो यही था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ टेक्स्ट है या आप नरेशन वरेशन यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंट कोड है, बैंक का डेटा नहीं मांग रहा है बैंक का कोड, यहाँ पे हम लोग बैंक सर्च कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैंक जो हमारा है, एज यूजुअल इस बैंक से हम लोग बहुत पेमेंट करते हैं, आज कुछ पैसा रिसीव भी कर ले रहे हैं तो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा थोड़ा। अमाउंट कितना है 1800 हमें रिसीव करना है, किस अकाउंट से 643 कोड है यहाँ भी सर्च कर सकते हो, हरी से रिसीव करना है, चाहे एंटर करें चाहे वो प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करें। बात एक ही, अब हमें पार्शियल पेमेंट रिसीवर यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा, कंप्लीट यहाँ से देखिए गायब हो गया 200 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक पूरा, अभी भी 1800 का डिफरेंस आ रहा है, फिर डबल क्लिक करिए और यही 1800 रुपये यहाँ पे क्या करिए जो डिफरेंस वहाँ दिख रहा था वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए, फाइनली डिफरेंस खत्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सेव, तो देखिए रिसिप्ट भी एक्सेप्ट कर लिया, इसका डॉक्यूमेंट नंबर दिस लो। अब हम लोग रिपोर्ट अगर चेक करेंगे स्लैश एन एफ बी एल 5N और एग्जीक्यूट करेंगे आप रिपोर्ट, दिखा रहे आप लोगों 1800 रुपए, देखिए क्या है रिसिप्ट है, ये उल्टा दिखा रहा है, देखिए पहले हमने सेल किया फिर सेल रिटर्न हुआ फिर क्या हुआ रिसिप्ट हो गया 1800, फाइनली बैलेंस कितना बचा जीरो। तो तीनों के तीनों लाइन आइटम डिस्प्ले आपको हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा रिपोर्ट कैसे देखना है, कॉल करके आप देख सकते हो। तो सिंपल सा एक प्रोसेस था जिस प्रोसेस में हमने देखा कि एंट्री हम कैसे पहले कस्टमर क्रिएट करेंगे, कस्टमर को चेंज करेंगे, फिर कस्टमर के ऊपर इनवॉइस चार्ज करेंगे, इनवॉइस चार्ज करने के बाद फिर कैसे रिटर्न होगा, रिटर्न करने के बाद फिर फाइनली किस तरीके से हम सामने वाली पार्टी को क्या करेंगे उसे पैसा ले लेंगे रिसीव करेंगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जो हमने पूरा फॉलो किया और उसको इस छोटे से असाइनमेंट के थ्रू हमने किया है। सो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर ठीक लगा समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।